नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अयोध्या को देश की राजधानी बनाने की मांग। अयोध्या भारत महापरिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश देव गुप्ता ने किया अयोध्या को भारत की राजधानी बनाने की मांग। तपस्वी छावनी के श्री महंत स्वामी परमहंस ने किया समर्थन। पार्टी अध्यक्ष ने महंत परमहंस दास को किया भारत भूषण। दिव्य महापुरुष रतन से भारत की जनता की तरफ से किया सम्मान। स्वामी परमहंस के बयान, भारत अयोध्या की राजधानी बने इसके लिए देश की सेवा में अंतिम सांस तक प्रयास करता रहूंगा, इनके संकल्प को पूरा करूंगा। स्वामी परमहंस अमरीश देव गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत महापरिवार पार्टी। भारत की राजधानी बनाने का हमने संकल्प लिया है, इसके लिए यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। इसके हमने तीन मुख्य कारण बताए हैं। पहला तो सृष्टि के आरंभ से लेकर के अयोध्या पूरे विश्व की राजधानी रही है। दूसरा, हमने जो है विश्वगुरु रामराज्य और सोने की चिड़िया की जो बात कही जाती है उसका अस्तित्व भी इसी भूमि से है। तीसरा, हमने संस्कार और संस्कृति को अगर फैलाना है पूरे विश्व में, भारत में, तो हमें एक उत्तम उदाहरण आने वाली पीढ़ी को देना होगा। इसके लिए हमने एक संकल्प लिया है। क्या नाम आपका? अमरीश देव गुप्ता। पार्टी अयोध्या को भारत की राजधानी बनाने के उद्देश्य से इस राम की पैड़ी पर पूर्ण सल्ला सरजू जी के पावन तट पर यह प्रेस वार्ता आयोजित किया है, जिसमें मुझे इन्होंने एक बड़े सम्मान से सम्मानित किया है। भारत भूषण दिव्य महापुरुष रत्न से भारत की जनता की ओर से इन्होंने सम्मान दिया है। और मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी छावनी राम घाट अयोध्या से मैं आश्वस्त करता हूं कि देश की सेवा में अंतिम सांस तक मैं प्रयास करता रहूंगा। और इनका जो संकल्प है कि भारत की राजधानी अयोध्या बने, उसके लिए हम पूरे अयोध्या के साधु संतों को एक करेंगे, अयोध्या और पूरे देश की जनता से अपील करेंगे कि अतीत में पौराणिक काल में वैदिक काल में रामायण काल में जब भारत विश्वगुरु था तो भारत की राजधानी अयोध्या थी। रामराज तब थी जब पूरे विश्व की राजधानी अयोध्या थी, तो भारत की राजधानी अयोध्या बनाई जाए, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मैं मांग भी करता हूं और इनके इस कदम की सराहना करता हूं। और इन्होंने जो मुझे सम्मान दिया है, इस सम्मान की गरिमा को बनाए रखने के लिए, क्योंकि संत का मतलब है कि जो परोपकार के लिए, जो जनता की सेवा के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए, जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और देश के लिए जिए और देश के लिए मरे, जैसे स्वामी विवेकानंद इत्यादि, गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास इत्यादि हुए हैं, उसी तरह से अंतिम सांस तक अपने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए मैं प्रयास करता रहूंगा। हालांकि राष्ट्रहित में मैंने जो महामहिम से सात सूत्री मांग किया है वो इसी संदर्भ में है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, समान नागरिक संहिता लागू हो, बेटियों की शिक्षा मुक्त हो, गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए और साथ ही साथ में जो है सभी बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ इत्यादि जो है, ये देश हित के लिए मेरा प्रयास है और ये सफल होगा। और आगे मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी भी अपने जो है